नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर श्रद्धा और आप देख रहे हैं द वेलनेस मंत्रा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए हाई प्रोटीन हाई फाइबर वेजिटेरियन वेट लॉस डाइट प्लान। इस डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ साथ ही आपको फॉलो करने फाइव इम्पोर्टेंट रूल्स जिसे मैं बताने वाली हूँ। फर्स्ट है कि आपको अपना डिनर शाम के 7 बजे से पहले करना है, अर्ली डिनर करना है। सेकंड, आपको फॉलो करनी है 3S। पहला, लेस सॉल्ट, नो शुगर और स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये तीनों अवॉइड करना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना हो सके कम सॉल्ट लेना है और शुगर को पूरी तरह से अवॉइड करना है। आप नेचुरल स्वीटनेस को इन मॉडरेशन यूज कर सकते हैं। थर्ड है कि आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना है, 30 टू 40 मिनट्स भी कर सकते हैं, मे बी जिम, योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांस, या फिर आप इवन वॉक भी कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। फोर्थ है कि आपको स्टे हाइड्रेटेड, पूरे दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। और फिफ्थ है कि आपको मील स्किप नहीं करना है, बिल्कुल टाइम से अपना मील्स लेना है। इस डाइट प्लान को फॉलो करने से आपके वेट लॉस तो होगा ही, साथ ही आपके स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। पहले सुबह खाली पेट आपको लेना है जीरे का पानी या फिर धनिया का पानी, कोरिएंडर वाटर और जीरा वाटर। और इसकी तैयारी आपको एक दिन पहले रात में करनी है। रात को एक गिलास पानी ले लें, उसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर लें या फिर धनिया ऐड कर लें। आप चाहें तो दोनों हाफ हाफ छोटे चम्मच भी ले सकते हैं और उसे एज इट रात भर रहने दें, रात भर सोक करें और सुबह से स्ट्रेन करके इसका पानी पी लें। आप चाहें तो इसका टी बना करके भी ले सकते हैं, इसे बॉइल करके और स्ट्रेन करके। और इसके साथ आपको लेने हैं 6 आमंड्स, ओवरनाइट सोक होनी चाहिए, और 2 वॉलनट्स। ब्रेकफास्ट में लीजिए 1 बोल ऑफ ओट्स या फिर दलिया, दैट इज 200 ग्राम्स, या फिर ले सकते हैं आप 2 मूंग दाल का चीला विथ होममेड चटनी और दही के साथ ले सकते हैं। और इन तीनों ऑप्शन के साथ आपको ऐड करने हैं 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स और लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। मिड मॉर्निंग लीजिए फ्रूट्स, लोकल एंड सीजनल, आप अपनी चॉइस का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, एप्पल, बनाना, पपाया। लंच अराउंड 1 PM लेना आपको। इसमें आपको लेना है 1 प्लेट ऑफ सैलेड। सबसे पहले आपको सैलेड लेना है, उसमें आपको सॉल्ट ऐड नहीं करना है, बट उसमें आप लेमन जूस ऐड करके लीजिए। उसके साथ ही लीजिए 1 बोल ऑफ राइस या फिर 2 चपातीस ले सकते हैं, और 1 बोल ऑफ दही या फिर दाल ले सकते हैं, और 1 बोल ऑफ ग्रीन वेजेस लीजिए। इवनिंग में लीजिए 6 सीड्स वाटर या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं। उसके साथ ही लेना आपको ग्रीन स्प्राउट्स, आप चाहे तो स्प्राउट्स का टिक्की बना के भी ले सकते हैं। डिनर के लिए 3 ऑप्शन है, 1 बोल ऑफ खिचड़ी दाल खिचड़ी, सेकेंड ऑप्शन है किनोवा और थर्ड ऑप्शन है पनीर सैलड। खिचड़ी और किनोवा आप 300 ग्राम्स ले सकते हैं। मैं जो भी क्वांटिटी बता रही हूँ वो कुक फॉर्म में बता रही हूँ।